धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने मुझे उठा के इतनी बड़ी हस्ती पे बैठाया। अच्छा, आपसे बाद में पुलिस वाले मिलते रहे? हाँ, जाते थे। मदर टेरेसा में जाती थी। कौन कौन जाता था मिलने आपके यहाँ? डीआई साहब जाते थे, एसएसपी जाते थे, कौन कौन जाता था? बड़े एसपी जाते थे, एक थे पता नहीं, उन्होंने अपना नाम नंदलाल गौतम बताया था, वो जाते थे मेरे पास और क्या कहते पूछते थे शीला कैसी हो, उनके अच्छी हूँ साहब, और फोटो भी ली थी मीना दीदी ने और ये साहब ने। अच्छा, आप नाम क्यों बदल लिया? दूसरा नाम क्यों बता कर दी? दूसरा नाम इसलिए बदल लिया साहब, मैंने नहीं बदला था, मेरी सीरियस हालत थी, मैं बता नहीं पा रही थी कि मेरा नाम क्या है, तो उन लोगों ने शीला रख दिया था, मेरा नाम शीला हो गया। असली नाम क्या आपका? हाँ, असली नाम तो मेरा चंदा है साहब। कितने बच्चे हैं आपके, कहाँ रहती हैं आप? मैं ग्वालटोली हसारी में रहती हूँ, मेरे तीन बच्चे हैं, दो लड़की एक लड़का, दोनों लड़कियों की शादी हो गई, बस लड़के की नहीं हुई है। इस बीच में बच्चों याद नहीं आए कभी आपको? नहीं आई साहब, लेकिन अब जब मेरी स्थिति ठीक नहीं, मैं माइंड से डिस्टर्ब हूँ, मेरे माइंड में चोट है साहब, ये जब कभी कभी मेरे माइंड में दर्द होता है क्योंकि मैं माइंड से डिस्टर्ब हूँ, इसलिए मुझे ना इसलिए मैं कह रही हूँ। अच्छा, पुरुष का प्यार मिला, बच्चों से प्यार मिला आपको? हाँ, अपनापन मिला इसे कहते हैं। हाँ, अब क्या महसूस कर रहे हैं? अब मैं अच्छा महसूस किया, देखिए साहब मेहंदी लगाई, मेरे बारों में मेहंदी लगाई, मेरी लड़की ने वैशाली खड़ी है पीछे और मेरी सुरक्षा करती है, और जो कभी तबीयत खराब हो जाती तो दवा भी ले आ लाती हैं उधर से। अब क्या चाहती हैं आप? अब अच्छी तरह रह रही हूँ साहब, मैं अब कुछ नहीं चाहती हूँ, बच्चों के साथ रहूँगी, पति आए चाहे ना आए साहब, पति की चिंता नहीं है मुझे, अपने बच्चों की चिंता है। ठीक। विगत वर्ष 2018 में मेरे द्वारा और हमारे जितने भी पब्लिक के जो हमारे जनता के उपाध्यक्ष हैं उनके द्वारा और पुलिस अधिकारियों के द्वारा की गई थी, मुख्य उद्देश्य हम लोग का जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो बुज़ुर्ग परिवार हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करना, उनकी स्वास्थ्यगत समस्याओं को देखना, किसी भी प्रकार का सिविल या क्रिमिनल मैटर या किसी प्रकार की परेशानी उसको देखना, और उनके साथ जुड़ करके उनके जीवन में सरसता और उमंग उत्पन्न करना, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। ये हमारी संस्था जो सवेरा सीनियर सिटीजन पुलिस सेल है, इसमें 14 उपाध्यक्ष जो जनता के लोग हैं, बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं, हम गरीबों की भी सहायता करते हैं। पिछले साल मुझे टेलीफोन के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला मरई माता मंदिर के पास, जो बहुत ही जो है असहाय स्थिति में और शायद मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं वहाँ पर, और वहाँ पर मौजूद हैं, तो सवेरा सीनियर सिटीजन पुलिस सेल के हमने अपने यहाँ से सब इंस्पेक्टर मनोज मिश्रा और हेड कांस्टेबल मीना कुशवाहा और बाकी और सभी साथियों को भेजा। ये लोग जब वहाँ गए तो जो है उन महिला की स्थिति बहुत ही ख़राब थी उस समय और बहुत ही असहाय स्थिति थी, शारीरिक रूप से भी काफ़ी कमज़ोर थी, वो किसी का भी दिया हुआ भोजन पानी वगैरह भी ग्रहण नहीं कर रही थी, लेकिन मीना कुशवाहा हेड कांस्टेबल मीना कुशवाहा ने परिश्रम करके हाथ धुलवाया, उनसे बातचीत की, बातचीत करने के बाद से उनको कुछ खिलाया और उसके बाद से जो है फिर मेरे द्वारा वार्ता की गई और उनको मदर टेरेसा इंस्टीट्यूट में झांसी में भर्ती कराया गया। भर्ती करने के बाद से हमारे सीनियर सिटीजन पुलिस सेल के हमारे अधिकारी कर्मचारी लगातार हर महीने लोगों से मिलते रहते, प्रत्येक त्यौहार पर, प्रत्येक उस कार्यक्रम में वहाँ पर जा करके लोगों से संपर्क किया गया, और विशेष रूप से जो कि नाम शीला बताया गया था तो इनकी देखभाल होती रही। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मदर टेरेसा इंस्टीट्यूट के वहाँ के पूरे जो है जो सुपीरियर सिस्टर हैं और पूरे स्टाफ को, जो कि मानवता का एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, उन लोगों ने शीला की देखभाल लगातार एक साल की, हमारे सीनियर सिटीजन पुलिस सेल के जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, सब इंस्पेक्टर मनोज मिश्रा, मतीन खान, सब इंस्पेक्टर बब्बू यादव, हमारे कांस्टेबल्स हैं और हेड कांस्टेबल मीना कुशवाहा मुख्य रूप से, ये लोग लगातार मिलते रहे। एक वर्ष के बाद अब जो है हमारे सामने शीला बैठी हुई हैं, इनसे मेरी बात हुई, इनका जो है वास्तविक नाम इनका चंदा है और इनके परिवार में इनके तीन बच्चे हैं, दो बेटियां हैं और एक बेटा है, एक बेटी ज्वेलरी का काम करती है, बड़ी बेटी भी जो अपना वर्क कर रही है, लड़का जो है अभी पढ़ रहा है, और इनके जो है हस्बैंड 5 भाई हैं, इनके ससुर साहब भी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो इनके पति भी जो है मोटो है हमारा और इस पर हम लोग लगातार काम, कई फैमिलीज के उन्होंने हेल्प किया है। तो देखो पहले दिन अपना नाम शीला बताते हैं, इनका ओरिजिनल नाम शीला नहीं है, इनका नाम है चंदा, और ये जो है मायका इनका है नई बस्ती के पास में, शादी इनकी प्रेमनगर क्षेत्र